press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल फाइनेंशियल अड्डा में। और आज हम बात करेंगे, पेटीएम ने अपनी नई ऐप लॉन्च कर दी है पेटीएम मनी, जो म्यूचुअल फंड और एसआईपी में हमें इन्वेस्ट करने के लिए फायदा करेगी। तो चलिए दोस्तों, देखें हम इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे पेटीएम ऐप में। पेटीएम ऐप में हम जाएंगे म्यूचुअल फंड्स में, और म्यूचुअल फंड्स में जैसे ही हम जाएंगे यहाँ पर, ये देखिए दोस्तों ऐसे आएगा, हेलो इंडिया, इन्वेस्टिंग इज़ नाउ सिंपल। तो हम जानते हैं कि इसमें हमें पहले तो क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले बात है, इसमें अकाउंट, फ्री अकाउंट ओपनिंग है। उसके बाद 1% मार्केट से ये ज़्यादा दे रहा है। पेटीएम जो है वो म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न है वो 1% मार्केट से ज़्यादा मिलेगा। और उसके बाद 0% कमीशन है। एक्चुअली आप म्यूचुअल फंड कभी भी लोगे, किसी भी वेबसाइट से म्यूचुअल फंड आप में इन्वेस्ट करोगे तो वहाँ कमीशन लगती है, बट जो पेटीएम है वहाँ पर आपकी 0% कमीशन है। और अभी तक इसके 25+ एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, और ये एक पेपरलेस इन्वेस्टिंग है। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि हम इसमें कैसे करेंगे। तो सबसे पहले रजिस्टर करने के लिए मेरे को अपना नंबर डालना पड़ेगा, तो मैं ये अपना नंबर डाल रहा हूँ और सबमिट कर देता हूँ। और इसके बाद हमने ये टास्क करना होगा, सिलेक्ट ऑल इमेजेस विद बोट्स, तो हम ये टास्क करेंगे और वेरीफाई करेंगे। अब इसमें जैसे बोल रहा है यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, स्टे ट्यून्ड। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि हमें इसमें इन्वेस्ट करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों हमें सीधा प्ले स्टोर में जाना पड़ेगा, और प्ले स्टोर में हमें पेटीएम मनी ऐप खोलना पड़ेगा। तो मैं आपको एक बार सर्च करके दिखा देता हूँ। पेटीएम मनी जब आप सर्च करोगे तो ये तीसरे अभी ऊपर नंबर में नहीं आएगा, आपको चौथे पाँचवें नंबर में मिलेगा पेटीएम मनी। इसको आप इंस्टॉल करना, उसके बाद आपने करना है ओपन। ओपन करने के बाद दोस्तों ये पेटीएम मनी ओपन हो रहा है, तो हमें लॉग इन करना है। तो मैं यहाँ अपनी लॉग इन आई डी डालूंगा। तो मैंने ये लॉग इन कर लिया है, और इसके बाद अब साइन इन हो रहा है। अब मेरे को ओटीपी आएगा, आपने दोस्तों ओटीपी डालना है सबने। तो हम वेट करेंगे ओटीपी के लिए, और ये ओटीपी आ चुका है 304729, और हम वेरीफाई कर देते हैं। तो दोस्तों अभी तक जो पेटीएम के हैं वो 285,217 यूजर आ चुके हैं। हम अब इसके बाद आए हैं, तो आई वॉन्ट फास्टर एक्सेस में हम क्लिक करके इसके आगे जाएंगे। तो अभी तक मैंने तो KYC कंप्लीट नहीं करी, तो इसमें अपना पैन नंबर हमें यहाँ डालना पड़ेगा। तो मैं अपना पैन नंबर डाल देता हूँ, BYFPG4779J। ये मैंने अपना पैन नंबर डाल दिया है, और पैन इस KYC वेरीफाइड होके अब मैं प्रोसीड कर दूंगा। तो अब मैंने ये कंफर्म कर लिया है दोस्तों, तो अब देखते हैं आगे क्या होगा। तो अब इसमें हमें पर्सनल डिटेल्स डालनी है। पर्सनल डिटेल्स डालेंगे, पहले अपना डेट ऑफ बर्थ। तो जो 18 साल से ऊपर है वो इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। दोस्तों म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट बहुत ही अच्छी है। अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है तो मैं भी आपको कहूंगा कि आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में आपको हेल्प मिलेगी। क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपको नहीं पता कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, बट म्यूचुअल फंड आपको हेल्प करेगा कि वो कौन से स्टॉक में कैसे लगे, उसी स्टॉक में लगाएगा जो उनको ठीक लगेगा। तो वो आपका बहुत तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, जैसे आपको रिस्क मैनेजमेंट, अगर आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना तो आप लो रिस्क वाले में जाएं, अगर आपको ज़्यादा रिस्क लेना तो आप ज़्यादा रिस्क वाले में जाएं। तो इसमें दोस्तों अब ये आ गया है, तो हमें डालना पड़ेगा डिक्लेरेशन में कि ग्रॉस एनुअल इनकम मैंने बिलो 1 लाख लिख दी, और सबमिट कर दिया। अब तो दोस्तों मेरे को बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम डालेंगे अपना अकाउंट नंबर 1। उसके बाद दोबारा री एंटर करेंगे,
और ये सेविंग्स अकाउंट, उसके बाद हम IFSC कोड डालेंगे। अगर दोस्तों अगर आपको IFSC कोड नहीं पता तो आप सिंपली सर्च कर सकते हैं IFSC कोड। तो मैं यहाँ जाऊँगा डोंट नो IFSC और मैं यहाँ पर डालूँगा बैंक नेम और ये मैं बैंक अपना सर्च करूँगा कोटक महिंद्रा, ये आ रहा है उसका लोगो, तो मैंने कोटक महिंद्रा। उसके बाद हम डालेंगे दिल्ली, उसके बाद सिटी, ये दिल्ली कर दिया हमने। ब्रांच में देखेंगे हम अपनी, दोस्तों आपने ब्रांच डालनी है और ये मैंने कंफर्म करा तो मेरा IFSC कोड आ गया। अब दोस्तों हमने इसको सेव करना है, सेव करके इसमें कह रहा डिफॉल्ट बैंक अकाउंट, तो ये कह रहा है दिस बैंक अकाउंट विल बी लिंक टू योर इन्वेस्टमेंट एंड विल बी डिफॉल्ट अकाउंट फॉर ऑल रिडम्पशन। मतलब कि ये आपके बैंक अकाउंट इन्वेस्टमेंट के लिए लिंक हो गया है और इसी में रिडम्पशन ये सब आएगी। तो मैंने अब कर दिया है दोस्तों, वेरीफाई योर बैंक अकाउंट, वी विल ट्रांसफर ₹1 टू योर बैंक अकाउंट टू वैलिडेट वेरीफाई। तो दोस्तों पेटीएम जो है वो ₹1 ट्रांसफर कर रही है, जिससे कि देखना है कि ये अकाउंट मेरा है या नहीं है, मतलब वेरीफाई कर रही है। तो मैंने प्रोसीड कर दिया है और ये अकाउंट मेरा वेरीफाई हो चुका है, हम ओके करके आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो बैंक अकाउंट के लिए हो चुका है। अब जो दोस्तों KYC प्रोसेस है वो, और ये देखो दोस्तों ₹1 जो अभी हमने ट्रांसफर करे थे वो आ चुके हैं, मतलब मेरा अकाउंट वेरीफाई हो चुका है और जो ये है हमारी KYC वेरिफिकेशन, ये प्रोग्रेस में आ चुकी है। तो अब हम देखेंगे, तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये अभी जब तक हमारी KYC प्रोसेस नहीं होगी तब तक हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो अभी के लिए वीडियो के लिए आपको इतना ही देखने को मिलेगा, बट आपको इससे पता चल गया कि आपने कैसे इसमें रजिस्टर करना है। तो मैं आप सबको बता देता हूँ कि आप इसमें रजिस्टर करके बहुत ही छोटे अमाउंट से अपने SIP शुरू कर सकते हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, अगर आपको नॉलेज स्टॉक मार्केट की डायरेक्ट नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड ऑप्ट करें और अपनी लाइफ को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए म्यूचुअल फंड बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। तो दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा तो फाइनेंशियल अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।